मैथमेटिक्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 पढ़ रहे थे ना आप लोग, और मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 में हम लोग पिछली क्लास तक 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूं आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है दो बिंदुओं पी 2a+b और qa-3b को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। यह भी आपको दर्शाना है। सबसे पहले मैं यहां पर एक फिगर ऐसे बना देता हूं। ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां पर हम मान लेते हैं पॉइंट P, और पॉइंट P का वेक्टर दिया है 2a+b, 2a+b, और यहां पर पॉइंट Q दिया गया है और Q का वेक्टर है a-3b, वेक्टर a-3b। लिखा है बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाय विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करिए। 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु और बाय, तो R हमने यहां मान लिया है, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बाहर ऐसे पड़ेगा, ठीक है। ये OP है, ये OQ है, और OR हमको मालूम करना है भाई, ये हमको मालूम करना है। OP की वैल्यू यहां दी है आपको 2a+b, और OQ की वैल्यू आपको दी गई है a-3b, ठीक है। और वेक्टर OR हमको पता लगाना है, क्योंकि ये बाह्यता उसको विभाजित कर रहा है, और ये अनुपात जिस अनुपात में विभाजित हो रहा है, ये अनुपात है 1:2, यानी कि 1:2 अनुपात यहां पर होता है PR अपॉन QR। ये अनुपात कितना दिया गया है, 1:2 ऐसे दिया गया है ये रेशियो PR अपॉन QR। आपको हो सकता है एक चीज मन में खटक रही हो कि PR और QR, PR छोटा QR बड़ा, जबकि चित्र में हमें PR बड़ा दिख रहा है QR छोटा दिख रहा है, हो सकता है ये पॉइंट इधर की तरफ कहीं हो, तो PR छोटा हो जाएगा और QR उस समय बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए खैर, आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये PR पूरा 1 है और QR कितना है 2 है। वैसे ये पॉइंट मुझे इधर ही बना लेना चाहिए, देखते हैं सॉल्व करके। तो आप ओ आर पता लगाओगे, ओ आर के लिए क्या सूत्र लगेगा आपका, 1 into OQ माइनस, क्योंकि बाह्यता विभाजित करता है ना, इधर 2 into OP अपॉन 1+2 वेक्टर ओ आर। 1 को OQ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको OQ, इसको 1 से, तो a-3b, 2 को OP से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप -2 को OP से करिए, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -4a और -2b अपॉन O, 1-2 आएगा बेटा, तो यह -1 हो जाएगा। इस तरह से वेक्टर ओ आर की वैल्यू आएगी वेक्टर a माइनस वेक्टर 4a -3 a और ये हो जाएगा -5 b अपॉन -1। इस तरीके से वेक्टर ओ आर का पोजीशन, वेक्टर ये माइनस है ना, दोनों के निशान बदल जाएंगे, 3 a+5 b। अब इसका आप आंसर देख लीजिए कि किस तरह से दिया जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 9,
3a प्लस 5b, देखो OR की वैल्यू 3a प्लस 5b आ गई है, समझ में आया। और मैं जो आपको बता रहा था ना वही चीज है यहां पर, फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो PR डिस्टेंस है वो 1 है, QR डिस्टेंस 2 है, बड़ी डिस्टेंस 1 छोटे डिस्टेंस 2 के आसपास मतलब 2 के अनुपात में आ रही है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत दिख रहा है। तो हम चाहें तो इस R को कहां कर सकते हैं, इधर की तरफ बना सकते हैं। मैं इस चित्र में थोड़ा सा बदलाव कर देना चाहूंगा ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। जरा आप देखो, आपको भी समझ में आ रहा है ना, जब आपने फिगर बनाए शुरू में ही मैंने बोला था यहां पर ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट है क्यू, ये इसको हमने मिलाया, पी का पोजीशन वेक्टर है, ये क्यू का पोजीशन वेक्टर है। पी के लिए दिया गया था 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और क्यू के लिए दिया गया है ए माइनस 3 वेक्टर बी। अब आर कहीं इधर की तरफ पड़ेगा, इधर की तरफ बाहर होगा, और इस तरीके से ये बाहर रह करके भी, अब देखो आप लिखोगे पी आर अपॉन क्यू आर, अब ये पी आर की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये पूरा क्यू से आर तक का जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा 2। अब देखो ठीक ठीक लग भी रहा है, ये 1 है और ये इतना बड़ा 2 है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, 1 इंटू ओ क्यू माइनस 2 इंटू ओ पी अपॉन 1 माइनस 2। बहुत ज्यादा आप इतना कर देते अगर आप बड़ी डिस्टेंस पहले ले लेते, बड़ी डिस्टेंस अगर पहले ले लेते तो आप क्या करते 2 इंटू ओ पी माइनस 1 इंटू ओ क्यू, तो फिर अपॉन में भी तो 2 माइनस 1 ही लिखते हैं आप भाई, यहां 1 इंटू ओ क्यू माइनस 2 इंटू ओ पी लिखा तो अपॉन में 1 माइनस 2 लिखा गया। अगर आप बड़ी डिस्टेंस पहले ले लेते 2 इंटू ओ पी माइनस 1 इंटू ओ क्यू कर देते तो अपॉन में भी तो 2 माइनस 1 ही लिखते आकर के, इसलिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि फॉर्मूले को यूज आपने सही से किया है। तो ये बिंदु आर का स्थिति सदिश हो गया। इन्होंने एक चीज और बोली है, यह भी दर्शाइए कि बिंदु पी रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। देखो फिगर के हिसाब से भी ये क्लियर हो रहा है, यह भी सिद्ध करना है कि जो बिंदु पी है वो आर क्यू का मध्य बिंदु है। ओ आर की वैल्यू देखो बेटा इतनी आई हुई है, 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी। हमको दिखाना यह है कि जो पी है वो क्यू आर का मध्य बिंदु है। क्या करना चाहिए इसके लिए, हम एक काम करेंगे, देखो आपके भी मन में कुछ चीजें आ रही होंगी, फिलहाल हम एक काम कर लेते हैं ऐसे। उन्होंने यह बोला है कि दर्शाइए कि जो बिंदु पी है वो आर क्यू का या क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो हम करेंगे, हम क्यू बिंदु ले लेंगे, आर बिंदु ले लेंगे, इसके हम मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगा करके। वो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश अगर पी के स्थिति सदिश के बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि आर क्यू का मध्य बिंदु पी है फिर तो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्यू आर के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालेंगे। अब आर क्यू के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, देखो बउआ यहां पर ऐसे हम चित्र बना लेते हैं, ये आर है और ये क्यू है। आर का पोजीशन वेक्टर जो बना है वो है 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी। क्यू का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी। यहां पर मूल बिंदु है, ये ओ आर है और ये ओ क्यू है। हम आर क्यू के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालना चाहते हैं। आप एक काम करिए, मान लीजिए कि आर क्यू का मध्य बिंदु कौन है, एम। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या सूत्र लगेगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो जितना आर एम होगा उतना ही तो क्यू एम भी होगा। तो इसका मतलब उस समय ये 1 और 1 का रेशियो रहेगा इसका, उस समय सूत्र लगाएंगे 1 इंटू ओ क्यू प्लस 1 इंटू ओ आर अपॉन 1 प्लस 1, यही होता है।
तो वेक्टर ओ एम इज इक्वल टू, वन को ओ क्यू से मल्टीप्लाई करिए, ओ क्यू है ए माइनस थ्री बी, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ए माइनस थ्री बी। वन इंटू ओ आर, ओ आर में भी वन से मल्टीप्लाई करिए, थ्री वेक्टर ए प्लस फाइव वेक्टर बी अपॉन ओ एम, सॉरी वन प्लस टू नहीं वन प्लस वन, तो ये टू बन जाएगा। सॉल्व करिए, ए और थ्री ए मिलकर के फोर ए, फाइव बी माइनस थ्री बी मिलकर के टू वेक्टर बी अपॉन टू। अगर आप अलग अलग कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और आप देखें टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये किसका स्थिति सदिश है, बिंदु पी का। इसका मतलब है जो ओएम है वही क्या है ओपी, जो ओएम है वही क्या है ओपी। इसका मतलब है एम यहां पर मध्य बिंदु माना है, मतलब साफ है कि इसका मध्य बिंदु कौन होगा पी, क्योंकि हमने आर क्यू का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकाला है और वो पी के बराबर आया है। इससे तो स्पष्ट है ना कि आर क्यू का मध्य बिंदु पी के बराबर होगा। अगर आर क्यू का मध्य बिंदु पी नहीं होता तो आर क्यू के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालने से बिंदु पी का स्थिति सदिश तो थोड़ी आता फिर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्पष्ट है, स्पष्ट है कि पी आर क्यू का मध्य बिंदु है। पी आर क्यू का मध्य बिंदु है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, समझ में आया आपको। और फिगर ये वाला बनाओ तो सही रहेगा, उसमें भी कुछ गलती नहीं थी वैसे हमने, पर देखने में ये सही लगेगा क्योंकि ये वन है और ये टू है। हम बड़ी डिस्टेंस को वन और छोटी डिस्टेंस को टू लिखेंगे, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टेन में है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, ये उसकी संलग्न भुजाएं हैं। मैं बना लेता हूं चित्र, उससे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, इसकी दो संलग्न भुजाएं, एक संलग्न भुजा अगर ये वाली है वेक्टर ए तो फिर दूसरी संलग्न भुजा ये है वेक्टर बी। अगर ये वेक्टर बी है तो ये वाली भुजा इसी के समांतर और लंबाई में भी बराबर, इसलिए ये भी वेक्टर बी बन जाएगी और ये भी भुजा क्या बन जाएगी वेक्टर ए। क्वेश्चन में बोला गया इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करिए। विकर्ण ये है विकर्ण, देखिए आपको विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश पता लगाना है। पहले आप विकर्ण पता लगा लीजिए। विकर्ण कैसे पता लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण अगर हम इसको ए बी सी डी मान लें तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कौन है ए सी, ए सी। और ए सी को आप कैसे निकाल सकते हो, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये याद आया आपको, वेक्टर सम का लो, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी मतलब वेक्टर ए प्लस बी सी मतलब वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग करना पड़ेगा तो 2i प्लस i मिलके कितना हो गया 3i माइनस 6j प्लस 2k, ये आ गया विकर्ण का वेक्टर आ गया। आपको विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश चाहिए तो विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश निकाल लीजिए। विकर्ण AC के समांतर, विकर्ण AC के समांतर मात्रक सदिश, विकर्ण AC के समांतर मात्रक सदिश अगर निकालना है तो वेक्टर AC अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर AC कर देना चाहिए हमको। वेक्टर AC की वैल्यू कितनी है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। AC का मापांक निकालेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4, ये 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, 36 4 40 9 49, तो ये 7 आ जाएगा।
आप अलग अलग कर सकते हैं, 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ये आ गया विकर्ण ए सी के समांतर मात्रक सदिश। इसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि यह भी लिखा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। आपको इसका क्षेत्रफल भी मालूम करना है। मात्रक सदिश तो आ रहा है 3i-6j+2k/7, इसका क्षेत्रफल आप बता सकते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं मालूम है आपको, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए ये बताएं आप हमको, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। आपको पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर इसका मापांक निकालना है, तो क्या ये कर लेंगे आप? क्यों भाई? अगर आपको लगे कि हमें प्रॉब्लम होगा तो हम करके दिखाएं, फिर सॉल्व करके आपको आ जाएगा सबको ना, ठीक है? तो ये आप कर लीजिए, क्योंकि दो सदिशों का क्रॉस गुणन करना है और कई बार हमने करके दिखाया है। डिटरमिनेंट मेथड से करिएगा, सारणिक बना करके, और इससे आ जाएगा आंसर। क्षेत्रफल का मान यहां से मिल जाएगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यही सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है दर्शाइए OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक कोसाइन +-1/√3 है। आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्शाइए कि OX, OY, OZ मतलब X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष से अक्षों के साथ बराबर झुके हुए। मतलब हमारे पास एक ऐसा सदिश है जो X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष से बराबर झुका हुआ है। X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष से बराबर झुके होने का मतलब क्या है? बराबर झुके होने का मतलब है कि X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष से उसका कोण बराबर बनता है। वैसे हमने किसी भी वेक्टर का X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष से बने कोण क्या माने हैं? क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा माने गए हैं। क्वेश्चन के मुताबिक ये तीनों ही मान आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो कह रहे हैं फिर उनकी दिक कोसाइन सिद्ध करो कि +-1/√3 आएंगी। तो प्रश्नानुसार एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से बराबर झुका हुआ है। अगर बराबर झुका है इसका मतलब अल्फा और बीटा और गामा तीनों ही आपस में कैसे होंगे? बराबर। और इन तीनों को ही हम मान लेते हैं थीटा। अब उन्होंने बोला कि इसकी दिक कोसाइन पता लगाइए, सिद्ध करो दिक कोसाइन ये है। सबसे पहले जब तक ये मान नहीं मिलता तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। हम एक काम करना चाहते हैं, आपने दिक कोसाइन के बीच में एक रिलेशन पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। पहले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और पहले तो ये मान तो निकालें। वी नो कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा बीटा गामा सब थीटा के बराबर हैं, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये जुड़ करके बेटा 3 cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो cos थीटा इज इक्वल टू +-1/√3। ये cos थीटा का मान निकल करके आया। उन्होंने दिक कोज्याएं पूछी हैं, इसलिए दिए गए सदिश की दिक कोज्याएं, दिए गए सदिश की दिक कोज्याएं क्या होती हैं? दिए गए सदिश की दिक कोज्याएं L, M, N होती हैं। L की वैल्यू क्या होती है? cos अल्फा, M के लिए cos बीटा और N के लिए cos गामा। इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा सब थीटा हैं, तो cos थीटा कॉमा cos थीटा कॉमा cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली है +-1/√3,
प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री, प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री, प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री। इस तरीके से उस सदिश की जो दिक् खोज्याय होंगी वो प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री, तीनों वही दिक् खोज्याय आ जाएंगे। समझ आया कि नहीं आपको? आया ठीक है, बराबर कोण से झुका है ना, ये चीज बस इसमें आपको आंसर तक पहुंचा सकती है। अल्फा बीटा गामा सब बराबर हो गए उसके, उसको हमने थीटा मान लिया, ये फॉर्मूला लगाया और बड़ी आसानी से कॉस थीटा निकल आया, फिर दिक् खोज्याय भी निकल आई। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए की वैल्यू दी जा रही है आई कैप प्लस फोर जे कैप, आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टू के कैप। वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप। और वेक्टर सी का मान दिया है टू माइनस वन प्लस फोर, टू माइनस वन प्लस फोर के कैप। एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है और सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। आपको तीन सदिश तो यहां दिए गए हैं, चौथा सदिश एक ऐसा मालूम करना है जो कि ए और बी दोनों पर लंब है, ए पर भी लंब है और बी पर भी लंब है। और जो तीसरा सदिश सी दिया गया है उसके साथ उस डी का डॉट प्रोडक्ट 15 के बराबर आना चाहिए। ऐसे सिचुएशन पर आप एक काम कर लीजिए, हम माने ले रहे हैं, माना वेक्टर डी इज इक्वल टू कुछ भी आप मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर डी को हमने ये मान लिया, यही हमको मालूम करना है। अब जो क्वेश्चन में शर्त दी गई उनको हम लगाते जाएंगे। उन्होंने बोला ये डी वेक्टर ए और बी पर लंब है, तो देखो यहां लिखेंगे क्योंकि वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अगर वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के तो इसका मतलब साफ है कि वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए शुड बी इक्वल टू जीरो। डी का ए से अदिश गुणन जीरो आना चाहिए। अब डी ये है ए ये है, अदिश गुणन कर लीजिए। अदिश गुणन में आई को आई से, जे को जे से, के को के के साथ करते हैं। तो एक्स को वन से करोगे तो क्या आएगा एक्स, वाई को फोर से करेंगे तो क्या आएगा फोर वाई, जेड को टू से करेंगे तो टू जेड इज इक्वल टू जीरो। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तथा यह भी बताया गया है कि जो वेक्टर डी है ये वेक्टर बी पर भी लंब है। देखिए वेक्टर डी वेक्टर बी पर भी लंब है, तो अगर वेक्टर डी वेक्टर बी पर लंब है तो वेक्टर डी और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट भी तो कितना होना चाहिए जीरो। अब डी ए और बी ए है, इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा लीजिए। थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स, माइनस टू को वाई से करेंगे, ये थ्री को एक्स से किया माइनस टू को वाई से करेंगे तो माइनस टू वाई, फिर सेवन को जेड से करेंगे प्लस सेवन जेड इज इक्वल टू जीरो। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर टू। ठीक, समीकरण एक समीकरण दो। अच्छा तो ये इसके बाद एक तीसरी कंडीशन भी हमको दी गई है कि C डॉट D इज इक्वल टू 15। अब एक तीसरी कंडीशन है C डॉट D इज इक्वल टू 15। C और D का डॉट प्रोडक्ट करिए, ये C है और ये D है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस फोर जेड, 2x माइनस वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू 15। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर तीन। आप जानते हैं आपको वेक्टर d निकालना है, अगर वेक्टर d चाहिए मतलब आपको x चाहिए y चाहिए और z चाहिए, तीन वेरिएबल चाहिए और तीन वेरिएबल्स के बीच तीन समीकरणें भी अब आपके सामने हैं, पहली दूसरी और तीसरी। इन्हीं तीनों समीकरणों को हल कर लीजिए, आपको एक्स वाई जेड का मान निकल करके आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे आप, चाहे जैसे कर लीजिए, आपके पास तरीका है एलिमिनेशन करने का। सबसे पहले एक काम करिए कि
ऐसा कर लो, इसमें चार का गुणा करो, इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। देखो मैं ऐसे लिखूंगा, इक्वेशन नंबर वन में ऐड करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर थ्री में फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर थ्री में फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ आएगा उसे इक्वेशन नंबर वन में ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर ये है वन हमारे पास, एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, ये हमने वन नंबर इक्वेशन लिख दी। अब तीन को लिखिए पर चार से गुणा करके, चार दूना आठ एक्स माइनस फोर वाई प्लस सोलह जेड, पंद्रह चौके साठ, चार से मल्टीप्लाई कर दिए ना सभी में, चार दूना आठ, चार वाई, चार चौके सोलह, पंद्रह चौके साठ, प्लस फोर वाई माइनस फोर वाई कैंसिल, एट एक्स और वन एक्स नाइन एक्स, सोलह और दो अट्ठारह जेड बराबर साठ। तीन से ये इक्वेशन के सारे टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, तो थ्री एक्स प्लस सिक्स जेड इज इक्वल टू ट्वेंटी, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फोर। अब ऐसे ही हमने अभी समीकरण एक और तीन को लेकर y का एलिमिनेशन किया है, अब हम समीकरण दो और तीन को लेकर y का एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो x और z में एक समीकरण ये मिली है, x और z में एक समीकरण और मिल जाएगी, फिर उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। आप एक काम कर लीजिए, दो और इससे कर लो, इसमें दो का गुणा करो और इसमें से उसको माइनस कर दीजिए। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर टू में माइनस कर देंगे किसको, इक्वेशन नंबर थ्री को, लेकिन दो का गुणा करने के बाद। तो समीकरण दो में माइनस करना है किसको, समीकरण तीन में दो का गुणा करके। तो पहले दो नंबर लिख लीजिए इक्वेशन, थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन जेड इज इक्वल टू जीरो। अब थर्ड नंबर पे दो का गुणा करिए, तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस एट जेड इज इक्वल टू थर्टी, पंद्रह दुना तीस होगा ना, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस टू वाई प्लस टू वाई कैंसिल हो गया, तीन एक्स माइनस चार एक्स माइनस एक्स सात जेड माइनस आठ जेड माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस थर्टी। हम इसको x प्लस जेड इज इक्वल टू थर्टी कर सकते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगी फाइव नंबर। पूरी माइनस वन से मल्टीप्लाई करा दिया तो सारे टर्म प्लस हो गए। अब इसको और उसको सॉल्व करना है बेटा, आपको कर लेते हैं सॉल्व। उसमें छह का गुणा करिए, जो भी आए इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम इक्वेशन नंबर फाइव में, फिर जो कुछ आएगा उसमें हम इक्वेशन नंबर फोर को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन फाइव में छह से मल्टीप्लाई करिए, सिक्स एक्स प्लस सिक्स जेड इज इक्वल टू 180, इसमें फोर माइनस करनी है आपको, थ्री एक्स प्लस सिक्स जेड इज इक्वल टू 20, प्लस सिक्स जेड माइनस सिक्स जेड कैंसिल हो गया, सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स, थ री एक्स 180 माइनस 120 160, तो x बराबर कितना आ जाएगा 160 बटे 3, ये x की वैल्यू आएगी। तो जो वेक्टर d आपका होगा उसका जो x वाला पार्ट होगा वो 160 अपॉन 3 के बराबर आएगा। अब हमको y और z भी चाहिए, एक काम करो x का मान इसमें रखो तो z निकल आए। पहले समीकरण पांच से, समीकरण पांच से x प्लस जेड इज इक्वल टू 30, एक्स की जगह 160 अपॉन 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 30, ये उधर भेज देंगे तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस 160 अपॉन 3, 30 माइनस 160 अपॉन 3 जेड इज इक्वल टू 30 या 90 माइनस 160 माइनस 70 बटे 3, 90 माइनस 160 करोगे ना
तो माइनस का 70 अपॉन 3, ये z आ गया। अब हमें x भी मिल गया, z भी मिल गया, y बाकी रह गया है। तो आप एक काम कर लो, समीकरण एक है, दो है, तीन है, किसी में भी आप रखो, y का मान आपको निकल के आ जाएगा। तीन में रख देते हैं x और z के मान। समीकरण तीन से ये है इक्वेशन नंबर 3, लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15। x में 2 का गुणा करना है, x की वैल्यू ये है ना, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 320 अपॉन 3 माइनस वाई, जेड में 4 का गुणा करना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यह आ जाएगा माइनस 280 अपॉन 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है भाई, अब इसे सॉल्व करिए, 320 बटे 3 माइनस 280 बटे 3, दोनों का हर बराबर है, अंश डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 320 में 280 में करोगे 40 बटे 3 प्लस का, वो 15 इधर आ जाएगा तब तक माइनस, और ये y उधर पहुंच जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 3 = 45 माइनस 5/3। x आ गया, y आ गया, z आ गया। अब आप अगर d में x, y, z की वैल्यू लिख दोगे तो वेक्टर d आपको मिल जाएगा, इसलिए वेक्टर d क्या था, वेक्टर d xi कैप x की वैल्यू 160 है ना, तो 160 अपॉन 3 आई कैप, y की वैल्यू -5/3 है तो -5/3 j कैप, और z है -70/3 तो -70/3 k कैप। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो यहां से आप 1/3 कॉमन ले सकते हैं, देख लेते हैं आंसर किस रूप में दिया जा रहा है, 1/3 कॉमन लेके दिया जा रहा है, अंदर आ जाएगा 160 i कैप माइनस 5 j कैप माइनस 70 k कैप। ठीक है ना, इस तरीके से वेक्टर d आपको मिल जाएगा। तो वेक्टर d आपको ऐसा मान करके जो भी कंडीशंस दी गई है वो सॉल्व करते जाइए, उनसे x, y और z के बीच में 3 समीकरणें बन जाएंगी, उन 3 समीकरणों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए और x, y, z के मान निकालिए, जब वो वैल्यूज आ जाएंगी फिर आप वेक्टर d को बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमने किया कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया, 12 किया है, 13 करना है अभी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे है सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का, सदिशों 2i प्लस 4j माइनस 5k और लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करिए। देखिए वैसे उन्होंने एबीसी नहीं दिया है, हमने मान लिया है, उनका कहना यह है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला जो सदिश है इसका इन दोनों सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो वो 1 के बराबर आता है, तो लैम्डा का मान बताइए। समझ पाए कुछ, फिर से सुनिए, क्वेश्चन के मुताबिक ये सदिश का इन दोनों सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, आपको करना यह है कि इन दोनों सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश पहले निकालना है, फिर जो आएगा मात्रक सदिश उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराने से 1 के बराबर आता है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। कुछ बात समझ आई अब, कि इस वाले सदिश का इन दोनों सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश का अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लैम्डा का मान बताइए। तो हमारा करना क्या है, हमको इन दोनों का योगफल निकालेंगे, फिर योगफल की दिशा में मात्रक सदिश निकालेंगे, वो जो मात्रक सदिश आएगा उसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, वो डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर रखेंगे और फिर सॉल्व करके लैम्डा का मान निकल जाएगा। तो पहले
इसका और इसका योग करिए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करिए आप, तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 4j और 2j मिलकर के 6j कैप माइनस 2k कैप, ठीक, ये आ गया दोनों सदिशों का योग। अब योग की दिशा में मात्रक सदिश चाहिए, वो निकाल लीजिए, b प्लस सी की दिशा में b प्लस सी की दिशा में मात्रक सदिश, मात्रक सदिश कैसे निकालोगे आप, वेक्टर b प्लस वेक्टर c अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर c, मात्रक सदिश का यही तरीका ही है। इसकी वैल्यू आपकी आई है 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन, मापांक करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, इसका 36 इसका 4 दोनों का मिला के 36 दो दूना 4 36 प्लस 4 40 ही आ जाएगा। तो ये आ गए मात्रक सदिश। देखो भैया इन दोनों सदिशों के योग की दिशा में मात्रक सदिश निकल करके आ गया। अब इस मात्रक सदिश का हम इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन के मुताबिक 1 के बराबर है, इसलिए प्रश्नानुसार इसका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ में, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40। क्वेश्चन के अनुसार इसका डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर आना चाहिए। अब इसे हल करना है और लैम्डा का मान करिए डॉट प्रोडक्ट, i वाले को i वाले से करेंगे तो ये 2 प्लस लैम्डा, 1 को 6 से करिए 6, 1 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 अपॉन, ये हो गया इनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन, ये आएगा 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 1, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, देखो ये इसको उधर भेज दीजिए तो लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आप, वर्ग करने पर इसका वर्ग करोगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू, इसका बहुआ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये निकल आएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दो क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है ना, तो 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40, देखो लैम्डा स्क्वायर से तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको आप इधर ले आइए, 12 लैम्डा में से 4 लैम्डा इधर आके माइनस हो जाएंगे, 8 लैम्डा इज इक्वल टू, अब ये 36 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 40 में माइनस होगा 4 बचेंगे, वो वाला 4 और ये वाला 4 जुड़ करके 8 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। देखिए लैम्डा की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, समझ आया कि नहीं आया आपको, बड़ा सिंपल था क्वेश्चन के अनुसार इस वाले वेक्टर का इन दोनों सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर, तो इन दोनों सदिशों की दिशा योग की निकालो फिर पहले, फिर योग की दिशा में मात्रक सदिश निकालो, फिर उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करवा के 1 के बराबर लिखो और तब इसका आंसर निकल करके आपका आ जाएगा, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद 14 नंबर करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पे लिखा हुआ है कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश, देखो क्या बताया गया कि जो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी है एक तो समान परिमाण वाले हैं और परस्पर लंबवत सदिश हैं,
तो दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है, मतलब बराबर बराबर कोण बनाता। अब देखिए मैं इसको बताता हूं आपको, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उन्होंने कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी बराबर परिमाण वाले, इसका मतलब इन तीनों का परिमाण कैसा है, सेम है। अगर तीनों का परिमाण सेम है तो उसको कुछ भी मान लो आप। हमने वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर सी का मापांक तीनों क्या मान लिए, सॉरी एक्स मान लिया, क्योंकि तीनों के परिमाण बराबर हैं आपस में। परस्पर लंबवत सदिश भी है। परस्पर लंबवत होने का मतलब है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इन तीनों का ही मान कैसा आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। कहे क्योंकि तीनों ही परस्पर लंबवत हैं। ए बी पर लंबवत है, बी सी पर लंबवत है, सी ए पर लंबवत है, तीनों आपस में लंबवत है, इसलिए तीनों का आपस का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के बराबर आना चाहिए। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों ए बी सी के साथ बराबर झुका है। मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी वाला जो वेक्टर है वो ए के साथ जितना कोण बनाता है उतना ही कोण बी के साथ बनाता है, उतना ही कोण सी के साथ बनाता है, ये आपको मालूम करना है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो एक काम और कर लेते हैं। माना मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसको कुछ मान लीजिए, तीनों सदिशों के योगफल का मापांक कुछ भी मान लो, वाई मान लिया जाए, ये हम मान लेते हैं कि तीनों सदिश जो ए बी सी है इनके तीनों के योगफल का जो मापांक है वो वाई के बराबर है। अब क्वेश्चन तो समझ में आया कि नहीं आया आपको? करके ये दिखाना है कि जो सदिश ए प्लस बी प्लस सी है वो जितना कोण ए के साथ बनाता है उतना ही बी के साथ बनाता है और उतना ही सी के साथ बनाता है, ये कैसे हम शो कर सकते हैं। तो हम इसमें एक काम करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का कोण ए के साथ भी निकालेंगे, बी के साथ भी निकालेंगे और सी के साथ भी निकालेंगे। अगर बराबर एंगल मिलते हैं तो हम मान जाएंगे कि भाई ए प्लस बी प्लस सी ए बी और सी के साथ बराबर झुका हुआ है। तो एक एक करके इनके बीच का एंगल निकालो। पहले सबसे पहले हम करेंगे वेक्टर ए व वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बीच कोण। क्या कर रहे हैं हम? वेक्टर ए और इसके बीच का कोण निकाल रहे हैं। कोण के लिए क्या सूत्र आप लगाते हो? कॉस थीटा इज इक्वल टू, दो सदिशों के बीच का अगर कोण निकालना होता है तो आप सूत्र लगाते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी। आपको कॉस थीटा के सूत्र में एक वेक्टर ये है आपका और दूसरा वेक्टर आज ये है, इन दो के बीच का कोण चाहिए, तो सूत्र क्या लगेगा इसका? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इतना तो समझ आया? इसका डॉट प्रोडक्ट करिए, ए का ए से करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा? मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। याद करें किसी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है उस सदिश के मापांक का स्क्वायर। ए का बी से करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का सी से करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमने एक्स मानी है और इसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली है, वाई। ये लिखा हुआ है, देखो आप ध्यान से देखिए, ए डॉट बी का मान क्या आएगा, जीरो। ए डॉट सी का मान भी क्या आएगा, जीरो। तो ऊपर क्या बचेगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर।
मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एक्स, एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। इस तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स अपॉन वाई। ये हमने किसके किसके बीच का कोण निकाला है, ए और इस सदिश के बीच का कोण। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेक्टर बी और इसके बीच का कोण निकालेंगे। क्या होना चाहिए उसकी वैल्यू, इतनी ही आनी चाहिए, तभी तो सिद्ध होगा कि तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो अब हम निकालेंगे वेक्टर बी व वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बीच कोण। उसमें भी यही सूत्र लगा देंगे, पर कोण थीटा जैसे ए और इसके बीच का माना है, बी और इसके बीच का कोण कुछ और मान लो, आप अल्फा मान लो भाई। फॉर्मूला लगेगा बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। डॉट प्रोडक्ट बी का ऐसे करोगे तो यह आ जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बी का बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस बी डॉट सी मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। बी डॉट ए और बी डॉट सी इनके मान तो जीरो है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये तो दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। मॉड ऑफ बी की वैल्यू एक्स है, तो ये हम एक्स लिखेंगे और स्क्वायर लग जाएगा, इसकी जगह पर एक्स आएगा और ये आएगा वाई, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा एक्स अपॉन वाई। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का बी के साथ जो कोण बन रहा है उसकी कोसाइन एक्स अपॉन वाई आई है, और इस वेक्टर का ए के साथ जो कोण बन रहा था उसकी कोसाइन भी एक्स अपॉन वाई आई थी। इसी तरह से हमको और क्या करके दिखाना पड़ेगा, अब वेक्टर सी व वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बीच कोण, इनके बीच का कोण लेंगे तो हम इसको मान लेते हैं कॉस बीटा, कोण बीटा मान लेते हैं और उसकी कोसाइन निकालेंगे। तो सूत्र लगेगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कैलकुलेट करना आप सीख ही गए हैं, आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको कॉस बीटा की वैल्यू भी एक्स अपॉन वाई मिल जाएगी। अब देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का ए के साथ, फिर उसका बी के साथ और फिर उसका सी के साथ हमने कोण निकाला है, और तीनों के कोसाइन आपस में कैसी आ रही हैं। इसका मतलब साफ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी से बराबर झुकाव हुआ है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्पष्ट है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी से बराबर झुका है। बराबर झुका है, यही आपको सिद्ध भी करना था भाई इस पे। ठीक है ना, ये 14th नंबर किया हमने, 15 नंबर करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। बुआ देखिए भैया 15 नंबर क्वेश्चन पे है, सिद्ध करिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर, यदि और केवल यदि ए और बी लंबवत हैं, या दिया हुआ है कि ना तो ए वेक्टर जीरो है और ना तो बी वेक्टर जीरो है, मतलब ए और बी दोनों वेक्टर से कोई जीरो नहीं है, पर ए और बी दोनों परस्पर कैसे हैं,
लंबवत हैं। तो यहां लिख देंगे क्योंकि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इट इंप्लाइज दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी इक्वल टू जीरो। इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन यू नो वेरी वेल दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो। So A dot B is equal to 0 because in the question it is given that vector A and vector B is perpendicular to each other। इसका मान आपको इसके बराबर ला के दिखाना है, ठीक है ना? तो बड़ा easy है भैया, देखो करो, A को A से dot product करिएगा तो क्या मिलेगा, vector A dot vector A plus vector A dot vector B। अब B को इससे करिए तो vector B dot vector A, हमको ऐसे लिखना चाहिए left hand side, लिख लीजिएगा आप, ठीक है, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इसको इससे किया फिर ए डॉट बी फिर बी डॉट ए फिर बी डॉट बी। ए डॉट ए का क्या होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वेयर, बी डॉट बी का होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है इसलिए ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों ही सेम आएंगे। तो इसको भी हम a डॉट b ले लेते हैं, a डॉट b प्लस a डॉट b मिला के 2a डॉट b बन जाएगा। अब a डॉट b का मान तो कैसा दिया गया है, जीरो। अब ये अगर जीरो हो जाएगा तो मॉड ऑफ a स्क्वेयर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वेयर, यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड बन जाएगा। बस इतना सा आपको प्रूव करना है, ठीक है? इसके बाद 16th नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर पे यदि दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो ए डॉट बी जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ऐसा कब होगा? ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है बताइए, ए डॉट बी की वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है? आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ए डॉट बी का मान इतना है। अब उन्होंने बोला है कि ए डॉट बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ए डॉट बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो हम ए डॉट बी की जगह ये लिख सकते हैं, लिख देंगे मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये दोनों ही टर्म इधर गुणनफल में उधर जाके जीरो हो जाएंगे, तो कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा का मान या तो जीरो होना चाहिए और या तो जीरो से कैसा होना चाहिए, बड़ा, यानी कि पॉजिटिव चाहिए, जीरो भी चलेगा पॉजिटिव चलेगा। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को आप थोड़ा गौर कीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया है जीरो इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई टू। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको जीरो इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन पाई बाई टू, इज लेस देन इसमें भी लगा हुआ है, सी पार्ट पे है, जीरो इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई, और डी पार्ट पे है जीरो is less than or equal to theta is less than or equal to pi। देखो भैया, आप ये बस पता लगाओ कि cos theta जीरो या जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, यानी कि जीरो या धनात्मक होना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप उठा लेंगे तो ये जीरो से पाई के बीच का है, मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में भी एंगल जाएगा, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहां कॉस कैसा हो जाएगा, माइनस। भाई जीरो से बड़ा और 180 से छोटा चाहिए ना, तो 179 तो ले सकते हैं ना आप, और 179 कहां पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कोसाइन नेगेटिव होता है ना, तो अगर कोसाइन नेगेटिव हो गया तो यह शर्त बिगड़ जाएगी, तो ये दोनों तो इसलिए बाहर हो जाएंगे। इसमें हमारा मन लगता था कि इसको हम ठीक कर दें, पर नहीं कर सकते, क्यों? जीरो से नब्बे के बीच में है, मतलब पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में रहकर आप पॉजिटिव तो रख सकते हो, कॉस थीटा को जीरो नहीं बना सकते। जीरो बनाने के लिए थीटा का मान किसके बराबर रहना चाहिए, पाई बाई टू, जो ये नहीं कर सकता। इस पे हमारा जवाब बिल्कुल सही आ जाएगा। आप देखिए, जीरो से लेकर नब्बे तक, जीरो भी लेना है नब्बे भी लेना है,
अब अगर 90 लोगे थीटा की जगह तो जीरो हो जाएगा, चलेगा, और जीरो से 90 के बीच में लोगे तो पॉजिटिव बना रहेगा, वो भी चलेगा। समझ में आ गया ये आपको? तो इस तरह से ये बी पार्ट आपका सही जवाब आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद 17 नंबर है। मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश हैं। 17 नंबर, देखो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी मात्रक सदिश हैं तो दोनों का मापांक कितना आना चाहिए? एक के बराबर। एक ए का मापांक भी एक के बराबर और बी का मापांक भी एक के बराबर। उनके बीच का कोण थीटा है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश होगा अगर। अब देखो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, वेक्टर ए वेक्टर बी दो मात्रक सदिश है, मापांक एक कर दिया हमने, उनके बीच का कोण थीटा है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण थीटा है, इसलिए अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप क्या करोगे इसके लिए? इसका फॉर्मूला बनेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितने के बराबर आएगा? कॉस थीटा के बराबर। काहे? क्योंकि ये वन और वन हो गए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आ गया कॉस थीटा। अब उन्होंने पूछा तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश होगा अगर। अब उन्होंने ये कहा है कि ए प्लस बी एक मात्रक सदिश होगा, ऐसा कब होगा कि ए प्लस बी मात्रक सदिश हो जाए? देखो अगर ए प्लस बी मात्रक सदिश है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है, तब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? एक आनी चाहिए। अगर ये एक मात्रक सदिश है तो इसका मापांक एक के बराबर होना चाहिए। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग बराबर एक का वर्ग एक ही आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? आप जानते हो, बहुत बार करके दिखाया है, यहां पर भी किया गया है, यही तो आता है। तो इसकी जगह पर लिख देंगे मापांक a का स्क्वायर मापांक b स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 1। उधर तो 1 है ना, इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2। ए डॉट बी की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉस थीटा, और ये 1 उधर भेज देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसलिए थीटा बराबर कितना आएगा? 2π/3, 120। कॉस में 120 डिग्री का मान ही तो -1/2 होता है, इसलिए अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 है तो थीटा की वैल्यू 2π/3 के बराबर आ जाएगी। नहीं समझ में बात आई आपको? आ रहा है? अच्छा, ये हमने कर लिया 17 नंबर। आया है कि हमने बोल दिया इसलिए आपने हाँ बोल दिया? आ गया ना समझ में? ठीक है, 18 नंबर देख लीजिए। 19 कर ले पहले, फिर 18 बता देते, जगह के हिसाब से 19 बस इतने में आ जाएगा। देख लो 19 नंबर पे है, मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, तो ए और बी, देखो सवाल लिखा है कि दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा हो और ए डॉट बी का मापांक ए क्रॉस बी के मापांक के बराबर हो, तो थीटा का मान बताइए। बड़ा इजी है बेटा, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक के बराबर है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मापांक, इसकी वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, मापांक करोगे तो ए बी कॉस थीटा।
वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक हमने ए और बी मान लिए हैं, ठीक है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या होता है? ए क्रॉस बी का मान होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन ए क्रॉस बी का मापांक क्या होता है? ए बी साइन थीटा। आपको नहीं लगता कि ए बी से भी कट जाना चाहिए? और साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री का होता है। याद करिए, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा अगर है तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही रहता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान पाई बाई 4 एंगल के लिए बराबर होते हैं, तो यहां पाई बाई 4 हमारा जवाब बनेगा, बी पार्ट सही जवाब होगा। अब 18 नंबर करना है और उसके लिए थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, आप नोट करिए, फिर 18 करके हम आपको दिखाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान ज्ञात करिए। बउआ हो आप देखो, ये हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, कितना लाना है इसको? नहीं लाना नहीं है, मान निकालना है, सिद्ध नहीं करना। अरे यार चलो देखो। अच्छा आप बता सकते हैं मुझे जे डॉट क्रे जे जे क्रॉस के का मान क्या होता है? आई कैप। याद आया आपको क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया था ना, इससे ध्यान रखिएगा, आई कैप जे कैप के कैप, और ये सीधी चाल है आपकी। तो अगर जे क्रॉस के पूछा जाए, जे क्रॉस के तो क्या बताइएगा? आई कैप प्लस जे कैप। आई क्रॉस के का मान बताओ, आई क्रॉस के उल्टा चलना पड़ रहा है, आएगा तो जे लेकिन माइनस का, प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे का मान, आई क्रॉस जे का मान के हो जाएगा। आई डॉट आई की वैल्यू क्या आती है? 1। माइनस जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के की वैल्यू 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, ये 1 हमारा आंसर आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब सी पार्ट सही जवाब होगा। समझ आ गया? और इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है पूरी। अगले दिन से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और अगले चैप्टर वे है आपका त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक बड़ा अच्छा चैप्टर है और इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।